अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार आप सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इतना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो। तो यार बताना मैंने ये था कि भाई, अच्छा तो यार जो लोग नए हैं इस चैनल पर, यार इससे पहले जितने भी एपिसोड हैं वो आप लोग देख लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो तभी आप लोग इस वीडियो से रिलेट कर पाओगे, आप लोगों को पूरी समझ आएगी इसकी। बाकी अब आज एक और नया ट्विस्ट आ गया, तो इसको इन्जॉय करो। बाकी लेट्स गो। ओह माय गॉड, तुम ठीक तो? यस बस, जरा बस किधर है? जरा और तो ठीक तो है यार, बच गया मैं तो। ओह शिट, ओह नो यार, ओह माय गॉड दाऊद, बहुत पेन हो रही है। आर यू ओके? इसको देखो यार, ये जिंदा भी आया। ओके बस मैं देखता हूँ। यार क्या बना? बस इज नॉट मोर। ओह शिट, अबे नहीं यार, आई एम सॉरी ज़ोरावर। दाऊद तेरी तो छोड़ूंगा नहीं साले तुझे, आराम घोर। तुम दोनों तो ठीक हो? यार पेन का फ्यूरी, लेकिन खैर से बच गए। अबे यार दाऊद, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अब किसी तरह इंतजाम करो जाने का, यहाँ से निकलें फिलहाल। बहुत पेन हो रही है यार। चल रुक, मैं पता करता हूँ, मैं बुलाता हूँ किसी को। जल्दी यार, और एम्बुलेंस को फ़ोन कर, कम से कम इस बेचारे को तो हॉस्पिटल तक पहुँचाए। मर चुके। अबे यार, कम से कम इसकी डेड बॉडी तो कहीं ना कहीं पहुँचाए यार। दाऊद की ऐसी कम तैसी, ओह माय गॉड। लेकिन गाड़ी में बॉम्ब लगाया कब इसने? पता नहीं बस, कैसे लापरवाह लोग रखे हैं तूने। हर वक्त तो ये लोग गाड़ी के पास थे, फिर भी गाड़ी में बॉम्ब लगा लिया उसने। बस हमारे होते हुए नहीं लगाया, ये मुझे नहीं पता कैसे लगा कैसे नहीं लगा। शिट यार, जल्दी जरा और पता कर। अच्छा रुक रुक, मैं करता हूँ, जरा मैं मिला दो किसी को, जल्दी जल्दी बुला। रुक मैं कॉल करता हूँ किसी को। हाँ हाँ जल्दी कर यार, तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरी वजह से जो ये सब कुछ हुआ। हेलो अबीत, किधर हो तुम? बस मैं सैनिक शहर हूँ। जल्दी से ये क्या नाम है, किधर है ये जगह, कौन सी है यार? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से जगह पर पहुँचो। ओके बॉस, मुझे भेज दो, मैं अभी आ जाता हूँ। जल्दी पहुँचो यार, और बल्कि जल्दी तुम पहुँचो पहले। ओके बॉस, आ गया बस। तो बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। हाँ क्या बना, हुई किसे बात? अरे अरे लड़का, दाऊद को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। दाऊद की तो ऐसी कम तैसी, ये नहीं बचेगा मेरे हाथों, ये मर के रहेगा। राम ज्यादा बंदा मेरा मरा इसकी वजह से, इसकी तो मैं घर घुस जाऊंगा साले के, छोड़ूंगा नहीं इसको। बाकी में मेरा ख्याल तो बड़ा मसला लग रहा है मुझे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टेंशन में है। कितना जल्दी जाता हूँ, अब पीछे हटो ना। हाँ यही जगह है जहाँ पे लोकेशन बॉस ने भेजी है। किधर है, नजर नहीं आ रहा मुझे। कॉल करता हूँ, कॉल। अब ये अब जी बॉस मैं आ गया। अभी अच्छा ऐसे करो, बात सुनो मेरी। क्यों जी बॉस? जल्दी से जो अपने बंदे को बुलाओ, और वो पीछे जो है फरूक की लाश को लेके जाओ जरा। ओके बॉस, वैसे आप तो ठीक है ना, खैरियत है सब कुछ? हाँ तुम जल्दी से करो, और ये गाड़ी में लेके जा रहा फिलहाल। ओके बॉस ठीक है, मैं अब अभी जो है पीछे बुला लेता हूँ लड़के, इसको मैं ले जाता हूँ। हाँ फिलहाल इसका जो है ना ले चलो तुम इसको, मैं फिर बाकी तुम्हारे से बात करता हूँ सारी। ओके बॉस ठीक है, आप सब तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ ठीक हूँ, तुम बस जल्दी से करो। ओके बॉस मैं अभी करता हूँ। ओह माय गॉड यार, शिट। हेलो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी कहाँ पर पहुँचो। हाँ हाँ मसला होगा, जल्दी पहुँचो जल्दी। ओके ओके, ये दाऊद का बच्चा बचेगा नहीं मेरे हाथों। ओह माय गॉड, जरा चल चल इस दाऊद की तो। यार पहले एक काम कर, हॉस्पिटल चल किसी। हाँ लूसी टूसी चलती है किसी हॉस्पिटल। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि
उसने किया कैसे? मतलब गाड़ी तो हर वक्त हमारे पास थी और गाड़ी पिछले दो दिन से हमारे पास है, तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बॉम्ब अभी कैसे फटा? पता नहीं यार, मुझे कुछ खुद कुछ समझ नहीं आ रही। ऊपर से लेसर हराम खोर पता नहीं किधर चले गए। एक तो यार जब जब भी मसले होते हैं तभी हर कोई गायब हो जाता है। वो नहीं तो क्या, अजीब कसम से यार मेरा बंदा मारा गया उसकी वजह से, मेरा एक इतना खास आदमी था। सॉरी बॉस, मैं बचा नहीं पाया उसे। तुम्हारी क्या गलती है यार, मैं खुद मुझे दिल करेंगे अभी दाऊद के अंदर घुस के और मार दूँ साले को इधर ही। मुझे खुद बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ, छोड़ूंगा तो नहीं मैं इसको। पहले हॉस्पिटल ले चल इसका, फिर देखते हैं हरामजादे का। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे दाऊद, तूने बहुत बुरा किया मेरे साथ। कहीं का हमारे बंदा इनके साथ मिला तो नहीं हुआ? पता नहीं यार, लेकिन हम तो काफी टाइम से सिर्फ हम चार लोग ही घूम रहे हैं और टाइम बॉम्ब तुझे पता है इतने ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता जो दो या तीन दिन चले। वही तो मैं परेशान हूँ कि ये कैसे हो कैसे सकता है, क्योंकि गाड़ी तीन दिन से हमारे पास है, कम अज कम दो या तीन दिन से, तब से अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बॉम्ब अभी ही प्लांट हुआ, कोई मैक्सिमम जहाँ तक मेरा ख्याल है 4 से 5 घंटे ही होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। वही तो मैं सोच रहा था ये किया किसने, आराम ज़्यादा वो मिल जाए तो उसको मैं घुस के मार दूँगा साले को। जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई करदार है हमारे दरमियान में। लेकिन यार अब चार लोग हैं, ये पीछे जो बैठा ये तो कुछ कर नहीं सकता, और दूसरा मर गया, अगर वो करता तो भाई वो खुद क्यों मरता? कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, कैसे किया ये उसने? यार बहुत जोर की लग गई है। चल शुक्र कर जान मच गई है, वरना जितने जालिम बम फटे ना मुझे उम्मीद कम ही थी। और नहीं तो क्या, लेकिन अब हमें ध्यान से रहना होगा क्योंकि ये किसी भी टाइम ऐसा कुछ भी कर सकता। चलो अभी जल्दी हॉस्पिटल लेके चल यार। आगे आगे बस यही हॉस्पिटल है। ले चल यार जल्दी। आगे आगे बस। तो फिर भी ठीक तो है ना? ठीक तो हूँ, लेकिन पेन बहुत हो रही है यार। आगे आगे बस इधर ही, जल्दी आ जा। दाऊद मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ तेरे ऊपर, छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुझे, सिर्फ कुछ दिन तेरे पास राम ज्यादा। हाँ ये डॉक्टर किधर है राम खोरा, आज है भी छुट्टी, पता नहीं डॉक्टर होगा या नहीं होगा। हाँ एमरजेंसी में होगा यार, खून बहुत बह रहा है यार। आ जाओ जाओ, हे डॉक्टर आ जाओ। अबे यार तो वो बैठ बैठ के बोर हो रहे हैं यार, और नहीं देखिए मेरे दम काउंटर आ जाना, बारू चक्कर लगाइए। हाँ यार रोका तो आप अपन, लेकिन कोई नहीं आ जाओ, चल चल बोझ नहीं बोझ। अबे यार अब इसको क्या हो गया? हाँ भाई बोलो। देखो बोझ ने मना किया भाई जी। अबे यार भाई सांस बंद हो रहा है यार, ज्यादा बाहर जा रहे हैं, यहीं पे पास जो पास पास जगह इधर ही है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। आ जाओ भाई, तुम आ जाओ साथ, हम रहने दे। अजीब यार तो है वो हर जगह यार, इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है हमारे ऊपर। और नहीं देखिए यार मैं तो खुद परेशान हो गया यार, सर भी दर्द होने लग पे। हाँ ना ऊपर से कसम से दो दिन से तो बाहर से आसमान ही नहीं देखा भाई। और नहीं देखिए यार मेरा तो अपना दिमाग खराब होने लग पे, लोहा वेख वेख के। और नहीं तो क्या, जल्दी पापा ये सब कुछ सॉल्व करें तो भाई मसले खत्म हो और हम बाहर हों। दाऊद बस जल्दी मार देना पापा, फिर मजा आएगा। और नहीं दे यार मैं खुद बड़ा परेशान है, पता नहीं की बनना, दाऊद का भी बड़ा ना सुनिए, बड़ा बदमाश है ये है वो है, फिर कौन की बनता है? तो पापा किसी से कम है क्या? ऐसे है वैसे, माइकल भी किसी तो काटते नहीं वैसे। हाँ यार पता नहीं बाहर मौसम कैसा, धूप वगैरह निकली हो बस, अंदर गर्म हुआ हुआ सारा कुछ, वो आग लगी रहती है हर वक्त, कसम से यार सांस बंद होने लग जाता है इधर। और मेरे तो खुद यार दो दिन है तो साग बंद हो जा रहा है। अरे भाई तो बारिश हो रही है। ओ चला फिर नहीं है। अबे यार शुक्र है, ओह भाई शुक्र है खुला सांस मिला यार, कसम नाल यार कसम नाल। ओ देखो हर जगह बंदा साथ गुस्सा भाई मारे। चल छोड़ कोई नहीं, तू अपना एंजॉय कर। ओए 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 शुक्र है खुला सांस मिला यार। ओए वैसे इधर होता क्या था वो? पता नहीं तू काम कर यार, तू चपला मारन बह जाना पहले। और नहीं काम ही कर रहा हूँ यार, वैसे पूछ रहा हूँ इधर क्या होता है वैसे, ये इतनी बड़ी जो जगह है, आओ देखे तरह। पता नहीं मेरे ख्याल में बजरी बजरी बन दी होगी ईटा शिटा। अब है नहीं ईंटे यहाँ थोड़ी बनती, पागल वाली बात है ना की करता है वो तो। और है भाई अंदर लोहा बनता है अंदर से,
अंदर तो लोग यहाँ बाहर पता नहीं क्या बनता है। पता नहीं मैंने भी पता वैसे पता नहीं क्या बनता है। आए तो चढ़ के देखिए। चलो चलो रुको मैं चढ़ के देखता हूँ। कहाँ ले गया यार कोई फायदा नहीं। आए चल रहा है दफा उतर ले। अब जी पापा किधर है यार? पापा जल्दी आए तो मैं उनसे बात करता हूँ भाई हमें कहीं और रखे यहाँ पर। या तो हमें बाहर भेज दे जैसे लास्ट टाइम गए थे ना नॉर्थ एक्टर, अब कहीं और भेज दे। हाँ पुत्र होते ना होते कर लेगा ना जैसे तेरे बड्डे भी कर दिन गए होंगे। यार गलत बात थोड़ी कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ यार। इधर तो भाई सांस ही बंद हो जा रहा है यार अंदर। भाई ये देखो ये टीन का है सारा, मतलब लोहे का सारा बना हुआ बिल्डिंग जितनी भी है इसके अंदर यार। अब सांस बंद होता है भाई, जाहिर सी बात है दो दिन से बाहर नहीं निकले। हाँ यार रहते हैं लेकिन कोई नहीं यार, गुजारा करना पड़ेगा। कोई यही तीन चार दिन और होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होएगा। पता नहीं यार अब कसम से मैं तो बड़ा तंग हूँ। चल चल कोई नहीं कोई नहीं, खैर गुजारा करके भी करते हैं भाई, करना पड़ेगा मजबूरी है। दूसरे के लिए पीछे चले। अच्छा भाई आ जाए पीछे पीछे, ये लो पीछे चले जाते हैं हम पीछे चले। ये ले जी मैंने गेम जोरावर साहब ने। अच्छा भाई अच्छा ये लो यहाँ से बाहर जाते हैं ठीक है। ओह अब कुछ ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ। चल ठीक है हो जाएगा भी सही। आ जाए यार शुक्र है डॉक्टर मिल गया था एमरजेंसी में। कसम से मुझे लगा नहीं मिलेगा लेकिन शुक्र मिल गया। हाँ हाँ आ जा अब चले। अब यार पहले कपड़े चेंज करें और फिर ये दाऊद को मिलते हैं पहले जाकर आराम से। देखो दाऊद हराम खोर। हमारा बंदा ही मार दिया सर डायरेक्ट, उससे पहले मुश्ताक साहब को भी। ये बचेगा नहीं मेरे हाथों में बता रहा हूँ यार कसम से। जल्दी काम कर पहले जमील के पास चल, वहां से कोई वेपन्स पकड़ दे और सीधा इसके अंदर घुसते हैं आराम दा देंगे। हाँ पहले जमील की तरफ चलता हूँ मैं। चल जरा वहाँ पे जो है एक कपड़े भी वहाँ से चेंज करते हैं और उसके बाद जो है कुछ गन्स पकड़ते हैं वहाँ से, क्योंकि हम सेल शोर से जान सकते हैं। हाँ यार ये शुक्र हम शहर में नहीं थे, नहीं तो हमारी वजह से और भी बहुत लोगों को नुकसान होता। हाँ ये तो शुक्र है सेंट जॉर्ज जा रहे थे और हाईवे पे तो खाली हाईवे थी। हाँ यार बस बस धीरे धीरे ध्यान से आ जा। अभी भी पेन हो रही है यार। हेलो जमील कैसा है? अबे मालकल भाई क्या हुआ यार? अबे यार एक मसला हो गया, ऐसे कर कोई अच्छे अच्छे दो तीन पिस्टल तैयार कर सही है, कोई जो मसला ना करें और मैं यहाँ से कैसे कपड़े चेंज कर लूँ। मालकल ठीक तो हो तुम? अगर कहते हो तो यहाँ पर मैं डॉक्टर बताऊँ? नहीं नहीं डॉक्टर के पास से होकर आ रहे हम, तो मैं ऐसे करो कि जल्द से जल्द है ना अच्छे से अच्छे पिस्तौल जो एक नंबर हो ठीक है वो जल्द से तैयार करो। ओके ओके मैं भी कर देता हूँ। ओके हाँ हो गया। हाँ मैं हो गया ठीक है कर लिया चेंज। हाँ सही है मैंने भी कर लिया। हाँ जमील हो गया पिस्टल रेडी? हाँ बिल्कुल ले लो पकड़ लो। बस ठीक हो गया, चल मैं तुझे फिर मिलता हूँ। ओके ओके बिल्कुल। ओके आ जा यार। जोरावर सच कुछ पता चला उसका लेस्टर से हुई बात? नहीं यार पता नहीं कहाँ मर गया लेस्टर आराम ज़्यादा। हाँ छोड़ूंगा नहीं मैं दाऊद को। अब किसकी कॉल आ रही है? कौन है कौन? दाऊद ही है हरामखोर। उठा इसकी तो बाकी आग। हेलो दाऊद के बच्चे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। ओहो मतलब बच गया तू? मैंने तो यही पता करने के लिए कॉल की थी कि जिंदा भी है या मर गया। इतनी आसानी से नहीं मार सकता तू मुझे, हिम्मत है तो सामने आना। अच्छा सामने आ जाता हूँ सामने, इसमें इतना कौन सा इशू है? एक काम कर मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, पहुंचे उधर बेशक जितने मर्जी बंदे ले आ मिल लेते हैं। मैं तेरी तरह गीदड़ों के झुंड में नहीं आता, अकेला ही आता हूँ। आ रहा हूँ मैं। चल ठीक है फिर आ जा मिल लेते हैं, तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करते तो आमने सामने मिलेगी। आ रहा हूँ मैं हराम खोर, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। वो तो मिलने के बाद बताता हूँ तुझे हराम ज़्यादा। क्या वो माइकल क्या कह रहे? आ जा इससे मिलने जा रहे हैं। पिस्टल ले लिया तुम लोगों ने? हाँ पिस्टल तो मेरे पास है लेकिन क्या बात कर रहे, क्यों इससे कैसे मिलने जा रहे? कॉल करके कह रहे मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया कि जिंदा भी हो या मर गए। मैंने कहा तेरा बाप को तू इस तरह नहीं मार सकता, मुझे मिल और उसने बुलाया अपनी लोकेशन मिलने। देखिए बेवकूफ़ी हो गया अगर हम उसकी जगह पर मिलने जाएंगे तो। लेकिन इस टाइम मेरा बहुत दिमाग ख़राब है और मैं इस टाइम रुक नहीं सकता।
ये मौका दोबारा दोबारा नहीं आएगा। चल हम मरे भी मरेंगे भी ना, खैर है उसको तो मार के आएंगे। चल भी राजा, और तुम एक काम करो, इधर रहो, तुम हमारे साथ ना हो। नहीं बोल सही, कैसे बात कर रहे हैं आप, पहले अकेले हमारे पे जाना खतरे से खा लीजिए। नहीं तुम इधर रहो। माइकल कैसी बात कर रहे हैं यार, अगर सब लोग देख पहले सिर्फ 3 लोग हैं, अगर वो भी हम पूरे नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा हमसे। अच्छा यार राम, और दाऊद तेरे आखिरी दिन शुरू, तेरे पास बल्कि सिर्फ कुछ ही घंटे हैं। कहते तो माइकल मेकअप तैयार कर रहा हूँ। नहीं नहीं मैं उसको कह चुका हूँ कि मैं अकेला आऊँगा, तो इसका मतलब सिर्फ हम दो लोग, मतलब अकेले हम नहीं जाएंगे, और कोई बंदा नहीं होगा हमारे साथ। लेकिन माइकल तू समझ नहीं, ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात है। तू क्या चाहता है, वो हमें बुजदिल समझे कि हम उसको कह के अकेले कह के मैं फिर बंदा लेके जा रहा हूँ साथ। लेकिन यार तुझे पता तो है वो बहुत ज़्यादा झुंड में होगा। झुंड में होगा ये जैसे भी हो, मैं नहीं जानता, लेकिन आज छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। मैं अगर मर भी गया तो खैर, लेकिन इसको आज मैं इसकी लाश निकालूंगा यहाँ से। देख माइकल, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान से सोचना चाहिए पहले। सोचते सोचाने का टाइम गया। हा हा बेचारा माइकल, जज्बात में फजूल अपनी जान गवा बैठेगा, बहुत गुस्सा चढ़ा ना इसे। ठंडा करता हूँ मैं इसको, इसको पता नहीं है इसने पंगा लिया किससे है। तुराब को तो अब मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, लेकिन पहले इनका जनाजा निकालूं मैं यहाँ से। बहुत गंद मचा हुआ है दो सेंटोस में इनकी वजह से, आज एक गंद तो साफ हो जाएगा, बाकियों को फिर कभी कर लेंगे। देख माइकल अभी भी टाइम है हमारे पास, मैं बैकअप तैयार करवा सकता हूँ। यार तू जरा मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा, कुछ भी हो जाएगा ना, अगर तुम लोग नहीं आना तो ना आओ, मैं अकेले चल जाता हूँ। यार एक तो तू जज्बाती बहुत जल्दी हो जाता, ठीक है चल, लेकिन तू मेरी बात क्यों समझ नहीं रहा। समझना भी नहीं है मुझे आज किसी भी चीज़ को, जो हो चुका है ना इसके बाद। पीछे हटो ना, यही जगह है। देखिए उसका अपना इलाका, यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है, समझ मेरी बात को। बाहर में क्या खतरा, यही जगह है ना, मिलता हूँ इस राम खोर को। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बंदे तो देखते हैं इधर उधर। आने दे इस दाऊद के बच्चे को। बॉस को रेडी टू फ्लाई। चलो फिर, पता लगाया माइकल वगैरह पहुंच गए होंगे। यस बॉस, वो पहुंच गए। चलो फिर। लेकिन हमारे पीछे छोड़ दे। मुझे तुराब नहीं चाहिए। क्या तुराब नहीं चाहिए तुझे, लेकिन क्यों? क्योंकि तुराब जो है मेरे सुतेला भाई है, उसको आज नहीं तो कल मरना ही था, लेकिन मैं पूरे दो सेंटर उसको ये सबक देना चाहता हूँ कि जो दाऊद के साथ पंगा लेता है वो बचता नहीं है, जो सलूक तुम्हारे साथ हो रहा है वो हर कोई उसको देख के जो है खौफ आएगा हर किसी को दाऊद से। देख दाऊद ये तो गलत कर रहा है, तू और पहले काम कर चुके हैं, देख तो तुराब चाहिए तुम देते हैं ना, और क्या मसला तेरा हमारे साथ। मैंने बताया ना तुराब नहीं चाहिए मुझे, अब मुझे तुम दोनों की जान चाहिए। देख दाऊद ये तो सही नहीं कह रहा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अगर तू इतना कोई होता तो अभी तक तू इधर ना खड़ा होता, अभी तक तू मेरा जनाजा इस यहाँ से उठवा चुका होता, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाया और अब टाइम जा चुका है। देख दाऊद तेरा और मेरा मसला था, तू उसके अंदर मुश्ताक को भी लेके आया। मुश्ताक, मुश्ताक को कब ले गया अभी, कौन मुश्ताक? मुश्ताक मेरा बिजनेस पार्टनर था जिसको तूने मारा है। ओह अच्छा, सॉरी मुझे पता नहीं था, पता होता तो उसको मैं बहुत पहले मार चुका होता, लेकिन उसको मैंने तेरे मसले की वजह से नहीं अपने मसले की वजह से मारा।
क्या अपने बस लेके वैसे? हाँ, उसने मेरे से 10 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन वो देने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो मैंने उसको मार दिया, उसके सारे जिस्म के अज़ा बेच के अपने पैसे पूरे कर लिए। ये क्या कह रहा दाऊद तुम? सही कह रहा हूँ, बाकी अब तुम दोनों भी जो है अपना मर्दी की तैयारी करो। ये नहीं हो सकता। देख दाऊद, एक दो मसला तो हम बैठ के सोच हल कर सकते हैं। मैंने बताया ना, अब वही तुम लोगों से बस तुम्हारी जान चाहिए और कुछ भी नहीं। दाऊद मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी जगह पर खड़े होगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, पीछे तो देख। हैं? ये क्या कर रहे हो तुम? दाऊद के ऊपर गन डालना? ये भी मेरे साथ ही मिला होगा, और तुम सब लोग, तुम लोगों की सारी खबरें यही मुझे पूछा रहा था। हाँ जरा, और मैं तुझे क्या मिला था कोई ना कोई है हमें, लेकिन ये ऐसा करेगा मुझे नहीं पता था। तुझे मैं कब से कह रहा था, लेकिन दाऊद तू बचेगा नहीं अब। मुझे एक गोली मारोगे, मुझे एक गोली मारोगे तो तुम लोगों को यहाँ पर जिसम भी नहीं मिलेगा, इतनी गोलियाँ मारोगे तुम्हें, चारों तरफ बंदे तुम्हारे। शिट यार, देखो माइकल, ये बात तुम भी जानते हो कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे यहाँ से निकलना नामुमकिन है। छोड़ूंगा तो नहीं, मैं मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, लेकिन तुझे मारना ज़रूरी है। लेकिन अगर मुझे मार दोगे तो यहाँ से जाना नामुमकिन है। चलो मैं तुम्हें दाव शी देता हूँ, या तो मुझे भी मार दो और अभी मर जाओ, या फिर यहाँ से चुप करके चल जाओ और कुछ दिन बाद दर्दनाक मौत मरो, सारे दर्द देख के मरो। देख माइकल, मेरे खिलाफ भी निकल लो, ठीक है मार दिया। छोड़ूंगा नहीं, नहीं मैं दाव तुझे, अपने उल्टी कितने स्टार्ट कर लो। जल्दी निकल माइकल, ये दिन छोड़ेंगे अपने, तो देख तो रहा कितने लोग हैं। लेकिन सुरावर, ये क्या, तुझे मैं क्या बेरा था, मतलब कोई ना कोई है हमारे अंदर करदार। तो फिलहाल छोड़ यहाँ से, भी नहीं तो ये लोग मार देंगे हमें, तो जानते हैं कितने लोग हैं। शिट, लेस्टर के बच्चे किधर मरा हुआ है तू? छोड़ूंगा तो नहीं मैं दाऊद को। राम खोर।